समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित करने के लिए शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां सरकारी ख़त्म की जा रही हैं, सरकारी व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है, देश की ज़मीन को कॉरपोरेट के हाथों में बेचने की साजिश की जा रही है। इस बार भी भाकपा माले का चुनाव अभियान काराकाट में यही था कि धनबल के खिलाफ जनबल की राजनीति थी। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा था जो अफरात खर्च किया जा रहा था, टिकट खरीदने से लेकर के और जनता का वोट खरीदने तक में इसका इस्तेमाल हो रहा था। बहुत चमक दमक भरा प्रतिद्वंदियों का चुनाव था। दूसरी तरफ एक सादगी भरा इंडिया गठबंधन का चुनाव था जिसको भाकपा माले उसकी रणनीति बना रही थी। ज़रूरत पर संसद के भीतर आवाज़ उठाना और ज़रूरत पर जनता के प्रदर्शनों में उसको आवाज़ देना, ये दोनों दायित्व एक चुने हुए सांसद का होता है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंचा और किसान और मजदूरों के सवाल पर जिस आंदोलन को लोग नक्सलवाड़ी आंदोलन के साथ साथ आम भाषा में नक्सल आंदोलन भी कहते हैं, लेकिन ये शुरुआत नक्सलवाड़ी से हुई जो वेस्ट बंगाल से है और बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दक्षिण के भारत में अच्छे खासी मजदूरों और हक और हकूक के लिए हमेशा आवाज़ उठाने वाली पार्टी भाकपा माले के आम चुनाव 2024 में दो प्रतिनिधि जीतने में सफल हुए हैं, एक आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से तो दूसरे काराकाट से। और आज हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं काराकाट से विजयी उम्मीदवार राजा राम सिंह। तो जिस तरीके से भाकपा माले का अस्तित्व आया है और हमारे साथ राजा राम सिंह आज मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई है। शुक्रिया, धन्यवाद। आप बताइए, जिस तरीके से आप नक्सल मूवमेंट के बाद आप विधायक भी रहे हैं, आप शुरुआत बताइए, विधायकी की शुरुआत कैसे किए और कब जीते? ये इतिहास में शोषक और शोषित के बीच लड़ाई अनवरत जारी रहती है। एक वर्ग शोषित समाज को अपने जूते के नीचे रखने की कोशिश में रहता है, उसका दमन करता रहता है, और दूसरा समाज समतामूलक समाज, बराबरी, सम्मान के लिए संघर्ष करता रहता है। एक ज़माने में बात थी कि गरीबों को वोट तक नहीं देने दिया जाता था, खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, तो उसके खिलाफ संघर्ष हुए और धीरे धीरे वहाँ से बात आगे बढ़ी। आज बात यहाँ पहुँच गई है कि गरीबों को, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित करने के लिए शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां सरकारी ख़त्म की जा रही हैं, सरकारी व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है, देश की ज़मीन को कॉरपोरेट के हाथों में बेचने की साजिश की जा रही है। तो उस परिस्थिति में आज भाकपा माले मजदूरों के साथ साथ किसानों के पक्ष में, बेरोज़गार नौजवानों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में मजबूती से खड़ी है। आप अपनी राजनीतिक शुरुआत कीजिए, जिस तरीके से आप विधायक भी रहे हैं, राजनीति की शुरुआत आप पार्टी में रहते हुए कब किए और कैसे किए, कितना चुनौती रहा? हम लोग छात्र जीवन से पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गए, तो उस दौर में छात्रों के सवाल पर हमारा संगठन था, पहले ABSU, उसके पहले भी CSU था, फिर छात्र आंदोलन ख़त्म हुआ तो IPF खड़ा हुआ, उसमें हम लोग शामिल हुए। उसके बाद आज 2001 से अभी तक 24 तक किसान मोर्चे की जवाबदेही पार्टी की तरफ से हम लोगों ने संभाल रखी है। अखिल भारतीय किसान महासभा के हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो एक लंबा सफ़र रहा है। मैंने आपसे कहा कि मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों, समाज के हर वर्ग और तबके के प्रश्न पर लेकर के पार्टी लड़ती रही है, और हम लोग पार्टी के एक अनुशासित सिपाही के नाते उन तमाम नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करते रहे हैं जो समाज के हित में है। पहली बार सदन कब पहुंची जीतकर आते? पहली बार 95 में मैं जीता था ओबरा से, IPF के बैनर तले। 95 में कितना चुनौती रहा, कितना खर्च रहा 1995 के चुनाव में? 95 में हम जीते थे, 48,000 वोट था और 21,000 की मार्जिन से हम जीते थे। पैसा कितना खर्च हुआ 95 के चुनाव में? उस चुनाव में मुझे लगता है कि
15 लाख के आसपास खर्च हुआ था। 15 लाख के आसपास खर्च हुए थे। अच्छा, ओबरा से चलकर आप विधायक रहे 95 में, उसके बाद काराकाट में, काराकाट में जनता कूपन का कितना असर रहा, या फिर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं मौजूदा समय में धन बल और बाहुबल? इस बार भी भाकपा माले का चुनाव अभियान काराकाट में यही था कि धन बल के खिलाफ जनबल की राजनीति थी, और व्यापक जनता ने कुल मिलाकर के करीब 50 लाख के करीब चंदा दिया होगा, और उसी से चुनाव लड़ा गया। तो जनता कूपन इस बार कितना सफल रहा आपके पार्टी के नज़रिए से, आपके राजनीतिक मतलब ये बहुत सफल रहा इस लिहाज से कि इसी से चुनाव लड़े गए। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा था जो अफराद खर्च किया जा रहा था, टिकट खरीदने से लेकर के और जनता का वोट खरीदने तक में इसका इस्तेमाल हो रहा था। बहुत चमक दमक भरा प्रतिद्वंदियों का चुनाव था। दूसरी तरफ एक सादगी भरा इंडिया गठबंधन का चुनाव था, जिसको भाकपा माले उसकी रणनीति बना रही थी, उस पर अमल कर रही थी। 1995 और फिर 2024, ये दोनों के बीच के चुनावी फासले में या फिर समय के अंतर में आपको प्रचार में कितना कुछ बदलता हुआ, महंगाई का असर कितना दिखा आपको? महंगाई का असर दिखा है, लेकिन जहाँ तक प्रचार प्रसार की रणनीति का सवाल है, तो हमारा मुख्य जोर कार्यकर्ताओं पर गांव के बीच जाने, पैदल मोटरसाइकिल से, साइकिल से, इसी पर रहा, और इस बार भी मुख्य जोर इसी पर रहा। अब चार चक्के वाली गाड़ियां भी कुछ हो गई जो चुनाव अभियानों में लगी, और निश्चित रूप से चुनाव के जेन्युइन खर्च भी हैं। ढेर सारे ऑफिस चलाना है आपको, गाड़ियों का खर्चा देना है, पर्चा पोस्टर चाहिए, रसीदें चाहिए, तो इनके खर्च हैं, नाश्ता पानी चाय चाहिए। इस खर्च के अलावा एक और सवाल है कि इस बार के एकदम सच सच बताइए ईमानदारी से, आप अपने पैकेट से घर से कितना रुपया लेकर चले थे जो काराकाट आप जीत गए हैं, कितना पैसा घर से लेकर चले? ईमानदारी की जहाँ तक बात है, तो मीडिया को थोड़ा इस पर और काम करने की ज़रूरत है। काउंटिंग के दिन चला दिया गया कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा लीड कर रहे हैं शुरू में, जबकि वो कभी लीड नहीं किए, तो ये सब अनएथिकल बातें हैं, ये उचित बातें नहीं हैं। और हम लोगों ने जो आपने सवाल पूछा है, तो उसका जवाब यह है कि हमने 14 लाख लोन लिया, मात्र 14 लाख। अच्छा। और बाकी जो पेंशन से हम लोग का बचता है वो राशि थी, मेरे पास कुल मिलाकर के 18-19 लाख की राशि मेरे पास होगी, मेरे हाथ में होगी, तो मात्र 18 लाख में चुनाव जीत गए। बाकी हमारे सगे संबंधियों ने, जनता ने, हमारे शुभचिंतकों ने मदद किया, और जिसकी वजह से ये चुनाव जीता गया। अब बताइए 24 के बाद जो ये मूवमेंट था भाकपा माले का, जनता सड़क और सदन, अब इसको कहाँ तक आप देखते हैं? अभी भी ये पैटर्न रहेगा, इसलिए कि देश की सरकार जो हमारी सरकार बन गई अगर इंडिया गठबंधन की, तो ज़रूर वो डबल इंजन की सरकार साबित होगी। अगर दिल्ली में सरकार बनेगी तो पटना में भी सरकार बनेगी, तो थोड़ा सा हम विकास को ज़्यादा गति देंगे तो शायद सड़क पर आंदोलन कम करना पड़े। लेकिन एनडीए ने जो दिशा ले रखी है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्राइवेटाइज करने का, बेरोज़गारी बढ़ाने का, महंगाई बढ़ाने का, कुछ निजी पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने का, तो ये अर्थव्यवस्था की जो नीति है इसने देश में गरीबी महंगाई बढ़ाई है, और इसके खिलाफ तो प्रतिरोध रहेगा। पार्लियामेंट के भीतर से लेकर के बाहर तक सड़कों पर तक पर आंदोलन रहेंगे। जिस तरह से देश की खेती को पिछले दिनों कॉरपोरेट के हाथों नीलाम करने की कोशिश की गई, देश का ऐतिहासिक किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ, तो अब हम देश में घाटे की खेती बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। देश में जिसकी भी सरकार बने, खेती को लाभकारी बनाना होगा, और C2+50% स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुरूप फसलों का वाजिब दाम देना होगा। खेती की बात होगी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या अब राजा राम सिंह पुराने वाले नहीं रहेंगे? एसी गाड़ी दिल्ली के सड़कों पे गलियों में घूमेंगे क्या? गांव समाज सड़क को भूल जाएंगे? आप बदल गए, अब तो सांसद महोदय हो गए। सांसद जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, हम लोग दो दो बार विधायक रहे हैं, और उस प्रतिनिधित्व की जवाबदेही को बखूबी समझते हैं, इसलिए
जरूरत पर संसद के भीतर आवाज़ उठाना और जरूरत पर जनता के प्रदर्शनों में उसको आवाज़ देना, ये दोनों दायित्व एक चुने हुए सांसद का होता है। और एसी में रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जरूरत के आधार पर आप गाड़ियों में एसी चलाते भी हैं। अभी चुनाव अभियान में हमने एसी ऑन ही नहीं किया पूरे दौर में। बिल्कुल, तो अभी आप राजाराम सिंह को सुन रहे थे, किस तरीके से इनके राजनीति की शुरुआत रही, किस तरीके से संघर्ष किया और अब जो है दिल्ली के संसद भवन पहुंचे हैं, आपने खुद सुना है। क्या बदल जाएंगे राजाराम सिंह, क्या अब गाड़ी में बैठेंगे और फिर से चले जाएंगे सड़क या सदन में रहेंगे, आपने सुना है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।